मॉर्निंग एवरीवन, देख लीजिए ये हमारी पैकिंग हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं अब आगे रंगोली की ओर। और अभी बारिश हो चुकी है, बारिश भी लगी हुई है। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो आप लोगों को। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और हम बस रंगोली में प्रवेश करने वाले हैं। शायद यहाँ पर छानदार बोलते हैं इस जगह का नाम। तो देख लीजिए हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से रंगोली बस थोड़ा ही है। ये देख लीजिए आगे को, बस थोड़ा सा ही है, उतना थोड़ा क्या मतलब प्लान है आगे। और ये देख लीजिए ये फूल, इस फूल को बोलते हैं गुन्ने का फूल। इस फूल का नाम है गुन्ने का फूल। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है ये गुन्ने का फूल, बहुत ही प्यारा सा। तो चलिए अब मिलते हैं हम सीधा रंगोली में, चलो। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे रंगोली। तो आप यहाँ की खूबसूरती का मज़ा लीजिए, यहाँ पर कुदरत के जो मतलब कारनामे हैं ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते भाई, कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर। तो देख लीजिए इधर उधर कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और बर्फ भी बहुत ज़्यादा दिख रही है पहाड़ों पर। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। Thank you.
आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये छोटा सा मंदिर, ये है देवता नाग धूमल जी का मंदिर। देवता नाग धूमल जी हलान सेकंड के देवता है, तो ये उनका ही मंदिर है। तो देख लीजिए यहाँ ये बीच में है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा। तो चलिए अब चलते हैं हम रंगोली। रंगोली बहुत ही पीछे है, पीछे लास्ट धार में जहाँ बड़ा पहाड़ खड़ा दिखाई दे रहा है वहां पर। रंगोली से तो मैं और मेरे हस्बैंड पहले आए हैं, क्योंकि बाकी जो थे ना, एक उनके जो मेरी ननद है नेहा ननान जी, तो उनके ना पाँव में या थोड़ी मोच जैसी आई थी, तो वो पीछे से आ रहे आराम आराम से। तो हम दोनों आए रोटी बनाने के लिए, तो चलिए अब हम खाना बनाते हैं। आज बनाएंगे हम कढ़ी और चावल अभी दिन के खाने के लिए। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ। ले ले रियान दे खाना बना रही थी। हां खाना बना ले तो ये तीन नौकले। हेलो फ्रेंड्स, तो देख लीजिए ये है दूसरे दिन का शाम का नज़ारा। तो ये देख लीजिए हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया है और ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। ये देखिए दाल मैंने बना दी है, पर राजमा की दाल आज, और इसमें मैं चावल चढ़ाऊँगी अभी। तो यहाँ पानी गर्म हो रहा है और ये देख लीजिए धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है, धुंध ऐसा लग रहा है रात को बारिश आएगी। ये देख लीजिए
इस तरह का मौसम हो गया यहाँ पे। और हमारी बॉनफायर देखिए बहुत ही अच्छी सी जल रही है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको बाद में रोटी खाने के टाइम पे, तो फिलहाल मैं अभी चावल बना लेती हूँ उसमें, तो चलिए बाय। तो ये देख लीजिए अभी टाइम हुआ है 8:30 और हम कर रहे हैं डिनर। ये बनाया हमने राजमा और ये है चावल। खोला चाहिए पापा पे। और मेरा थालू खाली हो चुका है। ये है हमारे वॉन फायर, सबसे पहले खाने वाले पापा। ये खा रही हूँ मैं। तो चलिए अब खाती हूँ पहले खाना, तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो देख लीजिए ये है तीसरे दिन की सुबह, तो ये हमारा लास्ट दिन ट्रैकिंग का। तो अभी जा रहे हैं हम सुबह के लगभग 7-1 बजे में, तो यहाँ ऊपर बोले कोई जगह है घूमने की, तो वहाँ जा रहे हैं हम घूमने और फिर आके हम खाना बनाएंगे। खाना खाने के बाद फिर हम घर चले जाएंगे। तो अभी अभी हमने चाय पी है, अब चाय पीने के बाद जा रहे हैं हम घूमने। खाना खा लिया है यहाँ पर, ये बर्तन धो रही है और हमारी पैकिंग हो चुकी है, हो रही है पैकिंग, मतलब ये देख लीजिए टेंट भी हमने फोल्ड कर लिए हैं और यहाँ पर सफाई चल रही है, सफाई हो रही है, बाकी पैकिंग हो रही है। देखिए कूड़ा कचरा कुछ भी यहाँ पर नहीं फेंका है, देख लीजिए साफ किया है यहाँ पर, सभी के पीठ में बैग। अगर आप लोग भी कभी कहीं जाते हैं तो प्लीज, जहाँ आप रहते हैं तो प्लीज अपना कूड़ा कचरा अपने साथ ले जाए। तो ये देख लीजिए ये पैकिंग हो चुकी है हमारी, और देख लीजिए यहाँ पर हमने स्टे किया था और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो हमने जो भी कचरा था वो जला दिया है, तो अगर प्लीज़ आप भी कहीं जाते हैं तो प्लीज़ अपना कचरा अपना साथ ले जाएं या उसको नष्ट कर दीजिए। तो चलिए अब चले हम घर। हम ग्वाड़ होके यहाँ से नीचे वाले सीधा ग्वाड़ है, तो हम ग्वाड़ जा रहे हैं। तो चलिए क्योंकि यहाँ पर रास्ता कोई भी नहीं है, इसलिए हमारे को जहाँ कहीं से जाना पड़ रहा है।
से हम आ रहे थे, मतलब जंगल जंगल से, तो हमारे को जंगल में ये मिली, ये है एक जड़ी बूटी, इसका नाम है नागछत्री। ये देख लीजिए इस तरह की है ये कुछ, तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अगर कहीं हम कट जाते हैं या जल जाते हैं तो अगर हम इसको डेली लगाएंगे उस पर तो ये बहुत जल्दी जख्म को भर लेता है। तो ये देख लीजिए ये मेरे को मिली, तो हमने लाई है थोड़ी जैसी, देख लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम घर की ओर। देख लीजिए ये क्या मिला मुझे, ये है देसी स्ट्रॉबेरी, ये हमारे यहाँ जंगलों में लगती है तो इसको हम खाते हैं। इसका टेस्ट लगभग लगभग उसके बराबर ही होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी की तरह ही होता है। तो चलिए हम इसको मतलब निकालते हैं खाने के लिए, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, फिलहाल मैं ये स्ट्रॉबेरी खा लेती। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्वाड़ में, ये वाला गांव है ग्वाड़, और जाति बार गए थे हम परे वाले गांव से, जो परे दिख रहा आपको ये है भुजनू, तो जाति बार हम परे से गए थे भुजनू होकर, तो आज आए हम यहाँ से ऊपर से, तो मतलब यहाँ से सीधा है ऊपर से रास्ता यहाँ तक ग्वाड़, रास्ता तो क्या मतलब आपको पता है, तो दिखाया हमने जंगल से आए हम, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्वाड़ में। तो ये गांव है मेरी, तो ये गांव है मेरी दादी सास का मायका, मतलब जो बुढ़ी नानी थी, मतलब जिनको मैंने आपसे मिलाया था, बुढ़ी नानी मेरी दादी सास की मम्मी, तो ये उनका गांव, यहां पर कोई रोड की सुविधा नहीं है। तो देख लीजिए अब हम पहुंच चुके हैं, ये गांव है, गांव तो बहुत प्यारा है, मगर यहां पर हम तो नहीं रह सकते क्योंकि रोड भी नहीं है बाबा, ऐसे पहाड़ वो बाबा, बहुत मुश्किल है यहाँ के लोगों का जीवन, गांव तो बहुत प्यारा है मगर जीवन बहुत कठिन है यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं नानी के मेहमान, मिलाते हैं आपको नानी से। चलो ठीक समय छुट्टी है, जय गोड़े आया है। फ्रेंड्स अब पहुंच चुके हम अपने हमें, और यहाँ से भाट में सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पर है, तो बहुत खुशी हो रही है घर पहुंच के कि हम रंगोली जाके आ गए। तो देख लीजिए अब मैं पहुंच गए हैं, मेरी हालत देख सकते हैं आप, पसीना बहुत तो छूट रहा है क्योंकि गर्मी हो गई है, और इसकी हालत भी, और मेरी हालत भी। हमारे साथ जो थे दूसरे वाले लोग, मतलब मेरी ननद जो थी, तीन थी, तो उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है,
तो ऊपर है वो ग्वाड़ में, तो अभी वो रेस्ट करेंगे और उसके बाद आएंगे घर। तो हम आए आगे क्योंकि आज कुछ स्पेशल, तो हम आए आगे तो वो है पीछे। तो चलिए अब मिलते हैं घर में जाकर सीधे, बाय। तो फाइनली देख लीजिए हम पहुंच चुके अपने घर, तो बहुत खुशी हो रही है घर पहुंच के। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। तो अब बढ़ रहे हैं हम अपने घर के ओर। तो ये देख लीजिए अब पहुंच चुके हैं हम घर के पास, फाइनली हम पहुंच गए घर में।